अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी मैं आज लोगों के साथ अभी एक और यूके गवर्नमेंट की जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो अगर आप यूके में काम करते हैं, यूके में रहते हैं, तो जी ये जो न्यूज़ है आपके लिए एक बहुत अच्छी मतलब गुड न्यूज़ होगी। तो प्लीज़ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। पता है आपको पूरी दुनिया में बहुत महंगाई हुई है और यूके में भी मतलब स्पेशली बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया जी। रिसेंटली एक रिपोर्ट में मतलब ने इंडिकेट किया जी यूके में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको पता है इतनी महंगाई हुई है, इतने ज़्यादा बिजली बिल जिसको हम अपने बैक होम्स में तो सुनते ही हैं जी, इंक्रीज़ हुए हैं पाकिस्तान में ये वो, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। इवन यहाँ तक तो यहाँ तक सुनने में आता है लोग अपने मील्स कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम दिन में एक या दो टाइम खाते थे तो अब एक टाइम पर आना शुरू हो गए हैं, तो जिसकी वजह से फूड की कीमतें बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं। ये देखें भाई साहब, जैसे रिड्यूस वाला सेक्शन होता है जो चीज़ एक्सपायर होने के करीब होती है उस पर येलो टैग लगा के वो रिड्यूस के सेक्शन में रख देते हैं सुपर मार्केट्स वाले, तो वो बहुत सस्ती मिलती है आपको। और सेम सच में यहाँ पर ऐसे रेल में हो भी रहा है। तो एनीवे जी आज ये इसी वजह से जी यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जी ये अप्रैल 2024 से ना ये जो है ये जो इनके जो चांसलर है कंजर्वेटिव पार्टी है यहाँ पे जी उनके जेरमी हंट उन्होंने जी अनाउंस किया है जी वो जो नेशनल लिविंग वेज है जी वो बढ़ा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं वैसे यहाँ पे एक मिनिमम जो एज है जी वो वेज जो होती है वो डिसाइडेड होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको पे की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ जी ये नेशनल लिविंग वेज क्या होता है और नेशनल मिनिमम वेज क्या होता है जी। ये देखें अगर आप यहाँ पे एक ना मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम वेज जो है ना वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होती है 1 आवर का, आपको वही पे किया जाना है जी। उसमें फिर दो कैटेगरीज आती है, नेशनल लिविंग वेज अगर आप जी 23 साल से ऊपर के हैं और नेशनल मिनिमम वेज अगर आप 23 साल से नीचे हैं तो वो आपको पे की जाती है। चलिए जी मैं अब आपको दिखाती हूँ 23 साल अगर आपकी एज जो है 23 इयर्स है या उससे ज्यादा है तो आपको पर आर की जो वेज करंट चल रही है यूके में वो ये है 10 pounds and 42 pence जो है ना वो आपको पे किए जाएंगे। अगर आपकी एज 21 to 22 है तो आपको 10 pounds and 18 pence जो है ना वो पे किए जाएंगे। एज अगर आपकी 18 to 20 में है तो आपको 7 pounds and 49 pence पे किए जाएंगे। अंडर अगर आप 18 है तो 5.28 पे किए जाएंगे। अगर ज़ाहिर है आप स्कूल जाते हैं उस लिहाज से जी ये ऐसे ये मतलब बेस ऑन डिपेंड करता है जी जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग। अब ये इन्होंने यूके गवर्नमेंट ने किया है जी वो ये 1 अप्रैल 2024 से ना जी ये जो नेशनल लिविंग वेज है जी ये बढ़ा रहे हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं जी। ये देखें जी चांसलर अनाउंस मेजर इंक्रीज टू नेशनल लिविंग वेज जी, ये इस यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट का ये जो है मंडे 2 अक्टूबर को जी ये इन्होंने अनाउंस किया है। तो ये आप जाके जी इनकी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं सारा, इसमें सारी डिटेल है। नेशनल लिविंग वेज विल बी राइज टू 1/3 ऑफ द एवरेज अर्निंग, तो आप ये सारा पढ़ लीजिएगा। तो वैसे भी आपको पता ही है हर साल जो है ना अप्रैल में 1 से लेके 15 अप्रैल के दरमियान ये जो है ना नेशनल ये वेजेस जो है ना ये चेंज करते हैं, थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं। तो अब जी ये मतलब 11 पाउंड से ज़्यादा ही होगा, मतलब स्टार्टिंग जो है वो 11 पाउंड से स्टार्ट हो जाएगी वेजेस। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जो कि जैसे जितनी महंगाई हो गई है यूके के अंदर तो उस लिहाज से जी ये गवर्नमेंट का एक अच्छा मतलब वो प्लान है। तो ये आप सारा जी इनकी वेबसाइट से जाकर पढ़ लीजिएगा, इस पेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।